ज्ञान मंदिर मनुष्य को के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 10 अद्भुत में शिल्प कोणार्क उस पाठ का हमने लेक्चर नंबर 1 में अभ्यास किया था और अभ्यास कार्य में हमने प्रश्नोत्तर लिखे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। आज वहां से आगे अभ्यास कार्य में पेज नंबर आपकी पहली इनका पाठ्यपुस्तक निकाले उसमें पेज नंबर 17 71 और 72 का अभ्यास करना है, वो लिखना है। क्योंकि आप अपना पहले ही बार पाठ्य पुस्तक निकाले हैं और उसके ही अंदर साथ में आपको लिखते जाना है, बराबर। तो अभ्यास कार्य में है कोणार्क का पतन कैसे हुआ, उसका सही उत्तर आप लिखिए। तो उसका सही उत्तर हमें लिखना है। तो इससे पहले पीरियड में हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जो 8 प्रश्न है उसके उत्तर लिखे थे। वहां से आगे कोणार्क का पतन कैसे हुआ, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो उसमें आएगा फोर्थ वन, कौन सा है फोर्थ, जिस पर कलश टिका तो उसमें आएगा आपको करना है राइट। फिर पेज नंबर 7 पर जा लीजिए, भाषा प्रसिद्ध, तो मशहूर, विख्यात, पत्थर को शिला, चिट्ठी तो से सूर्य तो रवि, आशा
तो विलोम शब्द में पहला है अनेक, तो उसका होगा एक। सेकेंड तत्कालीन, तो स्थाई। थर्ड स्पष्ट, तो अस्पष्ट। विदेशी, तो स्वदेशी। संयुक्त, तो वित्त। तो विद्या मित्रों, हमने यहाँ सभी उत्तर चुने। पौराण का पतन कैसे हुआ, उसमें कौन बनाएगा? विदेशी नाविक छक्का। बहुत उम्र निकाल कर ले गए इस पर प्रश्न लगा, तो उसमें यह बॉक्स दिया हुआ है, आपको राइट करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रसिद्ध, तो मशहूर, विख्यात। पत्थर, तो शिला, पाषाण। वस्त्र, तो कपड़ा, पोशाक। दर्पण, तो आईना, आरसी। फिर चिट्ठी, तो पत्र या खत। सूर्य, तो रवि या भास्कर। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए, तो अनेक का एक, तत्कालीन का स्थाई, स्पष्ट का अस्पष्ट। फिर विदेशी का स्वदेशी या देशी। उत्कृष्ट, निकृष्ट। असफल का सफल। अस्तगामी, तो आगामी। संयुक्त का विप, अथवा अलग अलग। व्यवस्था का अव्यवस्था। तो व्यवस्था का अव्यवस्था। मुख्य
तो सामान्य साधारण और यानी कुछ इसे पे नमाज चाहिए तो बार आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर से कौन सा है वो आपको लिखना है। तो यह मित्रों इस पाठ में मैंने आपको सही उत्तर चुने, फिर भाषा में पर्यायवाची विलोम और मुहावरे का अभ्यास करवाया, वो आपकी अपनी 72 पर लिखना है। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे प्रश्नोत्तर लिखित, वो एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारत के अनेक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मंदिरों में कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के अनेक विश्वविद्यालय मंदिरों में कोणार्क अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए स्थापत्य कला के लिए। उसके बाद सेकंड है, यह मंदिर किसने बनवाया था। यह मंदिर महाराजा नरसिंह देव ने बनवाया था। उसके बाद दो है, इस मंदिर के फ्लाईओवर किसके चित्र अंकित है। तो इस मंदिर के फ्लाईओवर हाथी युद्ध हाथी पकड़ने के दृश्य आदि अंकित है। उसके बाद फोर्थ, यह मंदिर कहां के तत्कालीन शिष्य व कला की गरिमा स्पष्ट करता है। तो यह मंदिर तत्कालीन उड़ीसा के शिष्य तथा भास्कर की गरिमा को स्पष्ट करता है। फिर सेकंड का अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो 8 प्रश्न जो मैंने आपको लिखवाए वो फिर से रिपीट। फर्स्ट, मंदिर के दक्षिण पश्चिम और उत्तरी कोणों में कौन सी मूर्तियां हैं। तो मंदिर के दक्षिण पश्चिम और उत्तरी कोणों में नवोदित सूर्य मध्याह्न सूर्य और अस्तगामी सूर्य की मूर्तियां हैं। सेकंड, 9 ग्रहों के दर्शनीय मूर्तियां जो अलग अलग स्थानों पर रखी हुई है उनकी विशेषता क्या थी। तो इनकी विशेषता यह है कि ये मूर्तियां एक ही शिला पर खोदी गई है। थर्ड, उड़ीसा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने कौन से हैं। तो उड़ीसा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित है, जिसमें श्रृंगार कर दर्पण में चेहरा देखती युवती और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित है। और यह मंदिर किस आकार का है। यह मंदिर भगवान सूर्य के रथ के आकार का है। फिर कोणार्क मंदिर में मुख्यतः कितने प्रकार की मूर्तियां हैं, कौन कौन सी हैं। तो कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं, धार्मिक सामाजिक और लोकात्मक। पहले में देव की मूर्तियां,
अवतार तथा पौराणिक माफियाओं के चित्र हैं, दूसरे में बैलों का गाड़ी खींचना, औरतों का खाना पकाना, दो दलों द्वारा रस्सी खींचना तथा सैनिकों का युद्ध से लौटना शामिल है, तीसरे में श्रृंगारिक मूर्तियां हैं। सिक्स, कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में किसकी छाप दिखाई देती है? तो कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह मंदिर किस संस्कृति का जीवंत प्रतीक है? तो यह मंदिर संपूर्ण उत्कलीय यानी उड़ीसा देश का नाम है, उस संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे क्वेश्चन आंसर। तो मैंने आपको रिपीट किए, आपको होमवर्क के अंदर अभ्यास कार्य में आपकी पहली मजबूत चैप्टर नंबर 10 मजबूत है शिल्पकला कोणा उसके अभ्यास कार्य में पहली नंबर 72 पर आपको लिखना है। होमवर्क में बरोबर आपको अपनी यही बुक में जो लिखवाया है पेज नंबर 17, यहां 71 और 72 पर यहां तक लिखना है और वही आपको फोटो निकालकर होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।